नोएडा में भंगेल एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम तेजी से चल रहा है। नोएडा अथॉरिटी की ओर से जारी किए गए इस ड्रोन वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्लाईओवर के लिए अब स्लैब पड़ना शुरू हो गया है। अगाहपुर से नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन तक बन रही 4.5 किलोमीटर लंबी भंगेल एलिवेटेड रोड में अब खंभों के ऊपर छत डालने का काम शुरू कर दिया गया है। इस छत पर ही सड़क बननी है। ये छत सेक्टर 40 के सामने एलिवेटेड पर नजर भी आने लगी है। इसके पहले पिलर की बुनियाद और फिर पिलर खड़े कर गर्डर रखे गए हैं। गर्डर की छत की तरह स्लैब डालकर सड़क की सतह तैयार की जा रही है। नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक सुरक्षा मानकों के साथ ये काम तेजी से करवाया जा रहा है। अथॉरिटी के इंजीनियर्स ने बताया कि ये एलिवेटेड रोड 143 पिलर पर टिकी होगी। पिलर की बुनियाद यानी पाइलिंग का काम 97.31% पूरा हो गया है। पाइल के ऊपर काम करने के लिए पाइल कैप बनते हैं। पाइल कैप 123 बन चुके हैं और ये काम 84% पूरा हो गया है। इसके ऊपर स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद ऊपर के काम के लिए पियर और पियर कैप बनाए जाते हैं। 117 पियर बनकर तैयार हो चुके हैं और 65 पियर कैप स्थापित भी किए जा चुके हैं। इन्हीं पियर कैप के ऊपर गर्डर रखे जाते हैं। गर्डर के ऊपर डेक स्लैब डाली जाती है। ये स्लैब डालने की शुरुआत कर दी गई है और गर्डर भी रखे जा रहे हैं। जून 2020 में शुरू हुआ था भंगेल एलिवेटेड रोड का निर्माण। 468 करोड़ रुपए की लागत से शहर के बीच बन रहे इस एलिवेटेड रोड का काम नोएडा अथॉरिटी ने जून 2020 में शुरू करवाया था। ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाने पर आगाहपुर से भंगेल, सलारपुर और बरौला के सामने तक जो जाम लगता है वो बहुत हद तक दूर हो जाएगा। इसके साथ ही सेक्टर 82 इंडस्ट्रियल एरिया में जाने वाले ट्रैफिक का आवागमन सीधे सीधे होगा। अथॉरिटी ने इस एलिवेटेड को बनाने का ठेका सेतु निगम को दिया हुआ है। कोविड की दूसरी लहर आने के पहले अथॉरिटी ने इस प्रोजेक्ट में दिन रात बहुत तेजी से काम शुरू करवाया था। बीच में एक सरिया का जाल तिरछा होने पर काम में कुछ दिनों के लिए रुकावट आई थी, काम को रोकना पड़ गया था। लेकिन अब ये काम काफी तेजी से चल रहा है और इसके जल्द पूरा हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ड्रोन वीडियो में इसे साफ तौर पर देखा भी जा सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।